ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਫ ਐਮ ਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਾਸਿਫ ਫਾਰੂਕੀ ਔਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੋੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰੈਲੀ। ਰੈਲੀ 'ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਰਗੜੇ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। सरहद तो 115 करोड़ की हैरोइन बरामद, BSF और कस्टम विभाग के सांझे ऑपरेशन च मिली कामयाबी। बठिंडा च अणमिथे समय लिए धरने से बैठे किसान और मजदूर संगठन। चिट्टे मच्छर नाल खराब हुए नरमे की फसल के मुआवजे की मांग, सरकार वालों जारी की गई 10 करोड़ की मुआवजे की राशि नूं दस्या किसानां नाल कोझा मजाक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाल संबंधित 64 दस्तावेज जनतक, कई जानकारियां ते रहस्यां तों उठ सकदा है पर्दा। पेशावर च एयरफोर्स दे बेस उत्ते दहशतगर्द हमला, हमले च 17 लोकां समेत 13 दहशतगर्द मरे, तहरीके तालिबान ने लई हमले दी जिम्मेवारी। पंजाब जोड़ो मुहिम तहत आम आदमी पार्टी वल्लों अज रोपड़ दे मरिंडा च रैली कीती गई, जिस च खास तौर पर कौमी पद्धर के लीडर ने शिरकत की। इस मौके रैली दौरान भगवंत मान, सुचा सिंह, छोटे पुरता नज़र आए ही, पर इस आशुतोष और पंजाब पार्टी के इंचार्ज संजय सिंह भी नज़र आए। इस मौके लोगों का वड्डा इकट्ठ देखने को मिलया। मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के लीडर ने जिथे पंजाब सरकार को निशाने पर लिया, उत्थे ही वख वख मुद्दों पर बादल परिवार को खास तौर पर रगड़े लाए। इन्ना ही नहीं, उन्हां मोदी सरकार नूं भी निशाने ते लिया अते आने वाले 2017 च पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार बनाउण दी लोकां नूं अपील कीती। उनको राजमहल से बाहर निकलना चाहिए और उनको याद रखना चाहिए कि अगर वो आम आदमी पार्टी के लोगों को जोकर समझ रहे हैं तो उन्हीं ऑटो वालों ने, रिक्शा वालों ने, झुग्गियों में रहने वालों ने, आम आदमियों ने दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के झोली में डाली थी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, जीरो पे पहुंच गई वहाँ। तो ऐसी ही हालत पंजाब में होगी कांग्रेसियों की। भ्रष्टाचार की जनरेटर है कांग्रेस पार्टी और पंजाब के अंदर पंजाब की बदहाली के लिए जितनी अकाली दल जिम्मेदार है उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तो दोनों को जनता ने देखा है, भोगा है। यहाँ का दर्द जो लोगों का है उसके पीछे अकाली दल और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। इन दोनों पार्टियों से जनता निजात चाहती है और एक बड़ा बदलाव पंजाब में 2017 में होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी नूं टोपियां वाले लोगों की जिहड़ी पार्टी दसी और कहा है कि मस्करियां की पार्टी कहा है। इस मुद्दे से साडे नाल गलबात करन लई आम आदमी पार्टी के कौमी बुलारे आशुतोष, उन्होंने उन्होंने गल करदे की कहोगे? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात पर मुझे हंसी आती है कि जिस पार्टी को इस देश की जनता ने एक मजाक बना दिया है, जोकर साबित कर दिया है, आज वो अभी भी सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। 2017 का चुनाव एक बार फिर साबित कर देगा कि कांग्रेस पार्टी एक जोक से बढ़कर कुछ बची नहीं है। वक्त है कैप्टन अमरिंदर सिंह जाग जाएं, वो पहचान लें कि हिंदुस्तान बदल गया, पंजाब बदल गया है, उनके जुमलों में देश आने वाला नहीं है, सीरियस हो जाए, गंभीर हो जाए। और जो आने वाले टाइम के विच ये भी अफवाहां ने, क्यासराइयां लगाइयां जा रही ने कि अरविंद केजरीवाल होरां नूं जिहड़ा पंजाब दे सीएम दे तौर ते प्रोजेक्ट किया जा रहा। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि किस तरीके से जो एक क्रांति की शुरुआत हुई, जो इंकलाब पंजाब के अंदर आ रहा है, जिस तरीके से अकाली दल के लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने और कांग्रेस ने पंजाब को लूटने का काम किया है, उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जानबूझकर अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनका मार्गदर्शन पंजाब की लीडरशिप के साथ है और वो बना रहेगा। सो, अगर पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सुचा सिंह होंगे या भगवंत मान? हम कह रहे हैं कि ये क्रांति की लड़ाई है, ये इंकलाब है अपने आप में। आपने कभी सोचा था कि मैं कभी राजनीति में आपके सामने बात करूं? मेरी तो कोई औकात नहीं। तो हम कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों के आज जो बुनियादी सवाल है उस पर बहस होनी चाहिए। पंजाब नशे की गिरफ्त में क्यों है? पंजाब में किसान की हालत ख़राब क्यों है? पंजाब में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसान बदहाली के कगार पे, इस पर बातचीत करते हैं। 2017 के अंदर कौन मुख्यमंत्री होगा जनता तय करेगी, इसमें उस पर परेशान होने की बात क्या है।
सो जिस तरह तुसी देख रहे हो रैली दे विच बड़ा हुंगारा मिल रहा है, की लगता है कि देखिए ये आज पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये आवाज़ उठ रही है कि ये जो भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने पंजाब को देश को लूटने का काम किया है उनको उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया। हमारे अंदर इतनी औकात नहीं थी कि हम दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीटें जीत सकें, लोगों ने हमको जिताया। पंजाब में भी यही हाल होगा अगर इन लोगों ने अपने आप को नहीं बदला, बादलों ने नहीं बदला, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं बदला, नशा करने वाले लोगों ने नहीं बदला, 117 में से 117 सीटें दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर आएंगी। और मैं कैप्टन अमरिंदर और बादल को कहना चाहता हूँ, सपने देखना बंद कर दो, लोग बहुत समझदार हो गए, अगर आप नहीं सुधरे अभी तो पंजाब की हालत, पंजाब के लोग वो गत करेंगे, फिर कभी कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। सो थोनू नहीं लगता कि जिस तरह दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को मुआवजा दिता है और इतने चिट्टे मच्छर का हमला होया, उसते महज हजारा एकड़ जमीन हैगी और मुआवजा 10 करोड़। देखो जी, पंजाब के किसानों ने वो काम किया, देश को खाना खिलाने का काम किया। अगर आज पंजाब का किसान अगर भूखे रहता है, अगर उसको अपनी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलता, अगर उसको अपनी खेती का मुआवजा नहीं मिलता है, तो ये पंजाब के साथ नहीं पूरे देश के साथ अन्याय हो रहा। पंजाब के किसानों को सबसे बड़ा मुआवजा मिलना चाहिए और उनका सबसे ज़्यादा हक है, क्योंकि देश को खाना खिलाने का काम उन्होंने किया था जब देश के अंदर खाना नहीं था। इसलिए हम उनको सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में किसानों का एजेंडा सबसे ऊपर रहेगा और उनको सबसे बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन आम आदमी पार्टी के कौमी बुलारे आशुतोष, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि आने वाले टाइम के जेकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों का खास तौर पर जरा ख्याल रखा जाएगा। बरिंडा तो पंकज के नाल कासिफ फारूकी, फ्री मीडिया। पंजाब विधानसभा का सैशन शुरू हो गया है, सैशन 24 सितंबर तक चलेगा। सैशन के पहले दिन सदवी विछोड़ा देने वाली शख्सियतों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। साबका राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम समेत गुरदासपुर अतवादी हमले दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। 19 ते 20 सितंबर को छुट्टी रहेगी। सोमवार 21 सितंबर के दिन सैशन की शुरुआत बाद दोपहर 2 बजे होगी और विधानिक कामकार किए जाएंगे। BSF वालों अमृतसर कस्टम नाल किए जाते सांझे ऑपरेशन च BPO थेकला अमृतसर सैक्टर 23 किलोग्राम हैरोइन समेत एक पाकिस्तानी मोबाइल और एक सिम कार्ड बरामद किया गया। कौमांतरी बाजार च इस हैरोइन की कीमत 115 करोड़ रुपए बनती है। इन्नी भारी मात्रा च हैरोइन कौन लैके आया सी, इसकी डिलीवरी किसनों की जानी सी, इस बारे जाँच की जा रही है। अजिहा पहली बार है कि BSF ने पुलिस तो बिना कस्टम विभाग नाल चलाए ऑपरेशन च यह बरामदगी की है। BSF पंजाब फ्रंटियर ने अमृतसर सेक्टर में 138 बटालियन के एरिया में कस्टम्स के साथ जॉइंट ऑपरेशंस करते हुए 23 किलो हेरोइन बरामद की है। ये BOP थेकलान के हलके में घटनाक्रम हुआ और थेकला के इलाके में ये घटनाक्रम हुआ और पाक स्मगलर्स द्वारा थ्रोइंग ओवर फेंस मेथड इसके अंदर यूज़ किया गया था और कस्टम्स और BSF के अधिकारी उन्होंने तुरंत रेस्पॉन्ड करते हुए कार्रवाई की। BSF स्मगलर्स की तरफ से भी फायरिंग हुई और BSF ने भी जवाबी फायरिंग की। इलाके की टेरेन और खेती की परिस्थिति अन्य फैक्टर्स को देखते हुए जो मौके की कार्रवाई थी त्वरित तौर पे की गई। सर्च के दौरान वहाँ पर 23 पैकेट हेरोइन मिली है जो कि लगभग 23 किलो है। इस संबंध में और सर्च और आगामी प्रक्रिया भी जारी है। फजलका पुजे सूबे के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नू नगर विच कांग्रेस की आपसी फुट का शिकार होना पिया। दरअसल फजलका तो कांग्रेसी नेता अतुल नागपाल अते फजलका दे संजीव पैलेस च कैप्टन दे स्वागत लई विशेष समागम का आयोजन किया गया सी, पर कैप्टन साहब की गड्डी की ब्रेक उस जगह ते नहीं लगी जिस दी वजह करके फजलका दे सबका विधायक डॉक्टर महिंदर रिणवा सन क्योंकि मुख द्वार ते स्वागत लई खड़े कांग्रेसी नेता धूड़ फकते रह गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की गड्डी फाजिलका तो सबका विधायक डॉक्टर महेंद्र सिंह रिणवा का लड़का सिद्धार्थ रिणवा चला रहा है। मौके पर पुजे कैप्टन साहब की गड्डी की स्पीड हौली तो हुई पर स्वागत लिए खड़े कांग्रेसी नेता अतुल नागपाल ने चलती गड्डी नाल ही भजद ही कैप्टन साहब का स्वागत कर मुख मोड़ लिया। ढोल वजदे ही रह गए तो कैप्टन साहब अगह चलते बने, जिस तो बाद कोई भी कांग्रेसी चेहरा मीडिया अगे बोलने तैयार नहीं होया। जदों की उस तो बाद फजलका दे शाह पैलेस विखे पुजे कैप्टन ने रणवा वालों आयोजित रैली नूं संबोधन किया।
रिकमेंड करता सी दैट 20 किलोमीटर बेल्ट राइट फ्रॉम द सीज़फायर लाइन जिहड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल कहिंदे ने पाकिस्तान ते कश्मीर no not Radcliffe no 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 not Radcliffe where the ceasefire took place in 1948 us nu kehnde ne hun line of control utthe ke you must have a border belt of 20 kilometers for where you give special status for in taxation and all taaki assi industry nu laake ore la sakiye now the problem came up ke gujarat te border the belt te vich pehla hi lagi hoyi hai badi industry सो अस क्या फिर गुजरात इफ इट्स अ डिवेलप इंडस्ट्रियली डिवेलप स्टेट उन्होंने छोड़ो डू डू पंजाब एंड डू राजस्थान एटलीस्ट दीज टू बेल्ट्स कैन कम थ्रू सो मेरे टाइम से इस गवर्नमेंट वाज लुकिंग एट इट डॉक्टर मनमोहन सिंह लुकिंग है इस ए गवर्नमेंट कर रही है नहीं या नहीं आई विधानसभा हलका लहरा गागा पहुंचे पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया उन्हें कहा कि आम आदमी पार्टी का ना तो कोई एजेंडा है ना ही पार्टी से किसी तरह का कोई अनुशासन है कांग्रेस से निशाना साधदे ढींडसा ने कहा कि कांग्रेस अकाली सरकार नूं पंजाब विच नशे लई मुजरम ठहराउंदी है पर दूजे पासे पंजाब विच फिर तो नशा लियाउण दी गल कीती जा रही है उन्हां कहा कि पंजाब दा जिन्ना भी नुकसान होया कांग्रेस दी वजह करके ही होया आपदियां सरगर्मियां करनियां सी आपदियां करनियां उन्हां नूं गलत मुद्दियां ते चोण लड़ी जाणी है ते आप जिहड़ी है ओह ना तो डिसिप्लिन पार्टी है ना ही उन्हों का कोई जड़ा है कोई ऐसा एजेंडा है वह कदे कोई गल कर लेंगे कदे कोई गल कर लेंगे सिर्फ हवाई गल् ने कांग्रेस का ही जोड़ा विरसा है वो अज पंजाब के नौजवानों सारा भुगतना पै रहा है जो भी कुछ पंजाब के हालात कदे खराब होए वो कांग्रेस जिम्मेवार है समय समय से सच्चाई सामने आती रही अज एक पासे सानू दोषी ठहरा रहे ने असी सख्त कार्रवाई भी की है असी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी खोले इतों तक कि बाहरों भी साइकैस्ट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट असी हायर किए ने पंजाब तो भी बाहर क्योंकि पंजाब सानू शॉर्टेज है इस मौके आम आदमी पार्टी के कन्वीनर सुचा सिंह छोटेपुर ने परमिंदर सिंह ढींडसा के उस बयान की निखेधी की है जिस उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को कोई भी डिवेलपमेंट एजेंडा नहीं जी डिवेलपमेंट उन्होंने तो मूँह बोलन रही हुई है उन्होंने डिवेलपमेंट कर दी नशे की गुंडागर्दी की लालसनैस करप्शन की लीडर आप अमीर हो गए जनता गरीब हो गई है उन्होंने दिसदी नहीं गी भाई पंजाब जी जिन्होंने डिवेलपमेंट कहते हो वह डिवेलपमेंट नहीं गी लुटमार है आम आदमी पार्टी जदों आएगी हाले असी फालस प्रोमिसिज कोई नहीं करते जो साडे लीडर ने दिल्ली करके दस्या वह रिफलैक्शन इतने पैना वो करके दसागे असी जिन्ने नशा वेचण वाले आ जिन्ने कानून तो बचण वास्ते झूठिया रिटर्न देंगे वो सब फड़ांगे लुधियाना पुजे कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठे तो जो पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन्हों का जवाब देने की बजाय उल्टा मीडिया वालों पर ही तंज कसते नजर आए मजीठे ने कहा कि मीडिया अपनी मर्जी नाल खबर को बनाउंदा अते छापदा अते खबर में कितनी सच्चाई अते असलियत है इस बारे किसी नूं कुछ भी पता नहीं हुंदा मजीठे ने कहा कि अकाली बीजेपी सरकार नूं लैके मीडिया च भरम फैलाउण की कोशिश कर रहा है यही गठजोड़ पंजाब च कमज़ोर हो गया मजीठे ने आम आदमी पार्टी पर भी जम के निशाना साधिया देखो थोड़े जिन्ना मर्जी तुसी अखबार वाले जोर पा लो मिर्च मसाला पा लो चटपटियां गल्लां कर लो कोई थोनू फिकर करन दी लोड़ नहीं तुसी आपदी सेहत दा ध्यान रखो श्रोमणी अकाली दल बीजेपी कट्ठे रहे आ कट्ठे रहा 2014 च इहदा जन्म होया 2015 च इहदे च इन्हां दे आप दे मैंबर ही ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੱਢਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਹੋ ਲਏ ਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਕਟਾਉਂਦਾ ਸੀ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਨਰਮੇ ਦਾ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਰਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਜੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18,000 ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 9.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 11 ਜਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ CM ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ CBSE ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 10 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਟੀਚਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੈਕਚਰਾਰਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਕਦ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰੋਲਾਂਗੇ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਮੇਨ ਸਟਰੈਂਥ ਫਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1:70 ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ 11th ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 64 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੌਕਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 64 ਖੁਫੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ 'ਚ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 13 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 150 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ
283,100 अमरीकी डालर खर्च हुए ने। हंगफिंगटन पोस्ट ने कैनेडा ने वीरवार को कैनेडा के सूचना के अधिकार एक्ट तहत ली जानकारी का हवाला दसया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे च शराब वर्गे पदार्थों उत्ते 13,340 डॉलर, स्वागती समागम उत्ते 60,000 अमरीकी डॉलर, गड्डियों के काफिले 1,06,400 डॉलर खर्च हुए। रिपोर्ट मुताबक मोदी की इस यात्रा दौरान कैनेडा के सरकारी खजाने विचों होटल के कमरे लिए 80,600 डॉलर निकले। अखबार अनुसार यह सारा पैसा कैनेडा सरकार का खर्च होया। इस तों इलावा मोदी वालों भारतीय भाईचारे को संबोधन करने लिए किए गए समागम उत्ते सब तो ज़्यादा पैसा खर्च होया। समागम उत्ते खर्च कैनेडा सरकार ने नहीं सगों भारतीय भाईचारे ने किया। 10,000 भारतीय कैनेडियन भाईचारे को मोदी और कैनेडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने संबोधन किया। इस समागम उत्ते 4,54,997 डॉलर खर्च आए। 9/11 के अतवादी हमले तो बाद बरतानिया अतवादी हमले का खतरा सब तो वध है। बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI5 के मुखी एंड्रयू पार्कर ने एक टीवी चैनल में गलबात करदिया यह खुलासा किया। पार्कर ने कहा है कि पिछले एक साल दौरान अतवादी हमलों दी 6 घटनावां नाकाम किया गया। पार्कर ने कहा कि अतवादी अपने इरादे को अंजाम देने लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्कर ने कहा है कि यह मुद्दा बेहद गंभीर है। पार्कर ने कहा है कि अतवादी अपनी साजिश विच सफल होण अते अधिकारियों की पहुँच तो बाहर होण ये किसी भी तरह हित विच नहीं है। इंग्लैंड विच मुस्लिम भाईचारे प्रति नफरत दर विच अथां वाधा होया। पुलिस वालों जारी किए गए अंकड़े मुताबक पछमी लंडन दियां कुछ कौंसल कैनजिंगटन चैलसी समेत कई शहरां च होर थावां ते मुस्लिम भाईचारे प्रति नफरत दियां घटनावां विच हैरानीजनक वाधा होया। मैट्रो बुलेटिन पुलिस मुताबक ये अंकड़े जुलाई 2014 तो जुलाई 2015 के विचले हुई घटनावां के आधार पर जारी किए गए हैं। अंकड़े मुताबक कैनजिंगटन ते चैलसी च नफरत दे बदसलूकी दी घटनावां औसतन 8-28% तक हो गई ने। इस तों इलावा एक होर शहर विच 14-28% तक ये अंकड़े पहुँच चुके ने, जिस करके इस विच दुगना वाधा देखा जा रहा है। इस तों इलावा शरणार्थी फोरम के मैंबर फिल कपूर का कहना है कि इस्लाम हमले दूजे धर्मां नूं नफरत करन अते खास करके हर पक्ष नूं धर्म नाल जोड़ के देखण का नतीजा है। इस तरह दीआं नफरत दीआं बदसलूकी दीआं घटनावां देखण नूं मिल रही ने। अमेरिका के राष्ट्रपति अहुदे के उम्मीदवार भारती अमरीकी बॉबी जिंदल ने दूसरे पद्धर की राष्ट्रपति बहस दौरान होर पार्टियां के उम्मीदवार डोनल्ड ट्रंप को पछाड़दे अपनी वादी प्रसिद्धि नाल लीड हासिल कर ली है। हालांकि 44 साल जिंदल अपनी घट प्रसिद्धि कारण 3 होर उम्मीदवार समेत दूसरे पद्धर की बहस से चला गया सी। जदों कि कई घंटे तक चली दूसरे पद्धर की बहस च जिंदल बहुत ही आत्मविश्वासी लग रहे सन। कैनेडा च पार्लीमेंट चोणों का दिन नेड़े आने करके जिथे चोण मुहिम सिखरां ते उत्थे ही हफ्ते तो सरी विच रोज़ गोलियां चलन दीआं आवाज़ां सुनन लगियां ने। पुलिस वल्लों इस वर्तारे नूं गैंगवार ते नशियां दे व्यापार नाल जोड़ के जांच दे नां ते खेड़ा छुड़ा लिया जांदा है। हफ्ते दौरान 7-8 थावां ते हुई गोलीबारी च लोग जख्मी तां होए ने पर जानी नुकसान नहीं होया। काम ते जाण वेले लोग पहलां इह पता लगाउंदे हन कि जिस पासे उह जा रहे ने उधर कोई गोलीबारी तां नहीं हो रही। गोलीबारी करन करके लोग काफ़ी परेशान ने। फिलहाल खबरों के बुलेटिन इन्ना ही। नवी ताज़ा तरीन खबरों लिए तुसी जुड़े रहो FMI न्यूज़ नाल। इस तो पहलों कि मैं फ्री मीडिया इनिशिएटिव की गल करा, मैं तुहानू थोड़ा पिछे लैके जाना चाहुंदा हाँ। कई बार विरोध जताउण अते चिट्ठी पत्र तो बाद अखीर न्यूज़ चैनल नूं फरवरी 2011 च पंजाब दे केबल नैटवर्क तो हटा दिता गया। कानूनी फैसलों के बावजूद चैनल नूं पंजाब च केबल नैटवर्क ते नहीं चलन दिता गया। जिमें कि हर कोई जानता है कि केबल काटल उत्ते एक ताकतवर सियासी घराने का असर है जो न्यूज़ अते एंटरटेनमेंट चैनल भी चलाउंदे ने। ये 2 साल पहलों की गल है। हुण मैं वापस आ गया
एक वखरे रूप च जिसन चुप नहीं किया जा सकता। फ्री मीडिया इनिशिएटिव तुहानू खबरां दे उस पार ले जाएगा यूट्यूब पे। इस तब्दीली इस कोशिश का हिस्सा बनो साढ़े नाल फ्री मीडिया इनिशिएटिव दे नाल।